भाई का प्यार जहर का कहर। अपने के आंसू नील का साथ। अपनी आज फूट फूट कर रो रही है और नील अपनी को दिलासा दे रहा है क्योंकि हो गई है अपनी की जिंदगी में एक और अनहोनी। ये बहुत ही इमोशनल हो चुकी हैं बिकॉज इनका भाई जो है आईसीयू में पड़ा हुआ है और जीने और मरने की कगार पे हैं। अपनी के भाई अमोल ने आज जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का पूरा बंदोबस्त जो कर लिया है। मैं उसे फोन पे समझाती भी हूँ, मेरे साथ फोन पे ही वो रो के बात करता है। मैं उसको समझाती हूँ कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन हम मिलकर निकाल सकते हैं, बट ऐसे सुसाइड करना बहुत गलत है। बट फिर भी उसने ये स्टेप ले लिया और अभी हम उसे हॉस्पिटल भागते हुए लेकर आ रहे हैं। और जब अवनी को इस बात की खबर हुई तो हर मुसीबत से लोहा लेने वाली अवनी आज पूरी तरह से टूट गई। जी हाँ नील, मुझे कंसोल करने की कोशिश कर रहे हैं, संभालने की कोशिश कर रहे हैं, पानी लाते हैं, अपना हैंकी देते हैं। सो हाँ, बस यही संभालने की कोशिश कर रहे हैं। नील अवनी को संभालने में जुटे हैं, लेकिन अवनी का दुख तो सिर्फ अवनी ही जाने। दयावंती को सबक सिखाना और अपने भाई अमोल को सुधारना, बस यही तो था अवनी का मिशन। कई मायनों में अवनी की जीत तो हुई, लेकिन रिश्तों की बाजी अवनी हार गई। अवनी बहुत डिस्टर्ब है इस बात को लेकर, बिकॉज जिस इंसान को सुधारने की कोशिश कर रही थी वो इस हालत में उसके आंखों के सामने, एंड पूरी ज़िंदगी उसने अमोल को सुधारने में लगा दी एंड दयावंती से बदला लेने में लगा दी। नाउ जब उस मौका मिला अमोल को सुधारने का, उसने जहर खा लिया, तो वो नहीं चाहती कि अमोल मर जाए। अवनी रो रो कर भगवान से अपने भाई की जान की भीख मांग रही है और भाई अमोल जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, और अगर ऐसे में नील का साथ और ऊपर वाले का सहारा अवनी को मिल जाए तो बात बन जाए। फिलहाल सिचुएशन बहुत टेंस्ड है, न जाने अब क्या होगा। देखते रहिए अवनी इस मुसीबत से कैसे निपटती है। आज तक ब्यूरो।